सो दिस इज द सेकेंड वीडियो. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डी पार्ट एंड द अनदर वन ऑल्सो. सो ये जो रेट्स हैं ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि जो गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा टैक्स कितना लगा सकता है और सबसे कम कितना टैक्स लगा सकता है. तो जो मिनिमम जो टैक्स की जो रेट है जो गवर्नमेंट अप्लाई करता है अपोज करता है दैट इज 5%, और जो आपकी मैक्सिमम जो टैक्स रेट है दैट इज 30%. ठीक है, तो आपका जो अगर आप स्लैब रेट भी देखेंगे तो लगभग 5% से 30% के बीच में सारे टैक्स रेट को कवर अप कर लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, सारा ही इम्पॉर्टेंट है जो आज करा रही हूं मैं. तो नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर, कि जो भी टैक्स पे करते हैं तो उनकी कोई ना कोई तो कैटेगरीज होती होगी ना, और ये जो कैटेगरीज हैं वो डिवाइडेड हैं उनकी एज ग्रुप के हिसाब से. ठीक है, तो एक है आपका इंडिविजुअल, एक है आपका सीनियर सिटीजन, एक है आपका सुपर सीनियर सिटीजन. तो इंडिविजुअल की हर किसी पर अलग अलग स्लैब रेट होता है, लाइक इंडिविजुअल पर अलग स्लैब रेट लगता है, सीनियर सिटीजन पर अलग स्लैब रेट रखता है, सुपर सीनियर पे अलग रखता है. तो इंडिविजुअल कौन से पर्सन्स होते हैं, वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से कम होती है. ठीक है, और सीनियर सिटीजन्स आपके वो सिटीजन्स होते हैं, वो पीपल होते हैं जिनकी एज 60 से तो ज्यादा होती है बट 80 ईयर्स से कम होती है. सुपर सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनकी एज मोर देन 80 ईयर्स होती है. ठीक है, तो स्लैब रेट इंडिविजुअल की, सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर की तीनों अलग होती है. ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास तीन कैटेगरीज होती हैं टैक्स पेयर्स की. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो टैक्स है उसको रेगुलेट कौन करता है ना. जैसे कि हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है. जैसे कि अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं है ना, तो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं या स्कूल्स होते हैं, तो उनको रेगुलेट कौन करता है, सीबीएसई करती है ना. अगर जैसे अगर मैं यूजीसी की बात करूं कि ये जो भी एग्जाम हो रहा है तो उनको कौन रेगुलेट करता है, तो आपको पता है यूजीसी एक तरीके से एनटीए के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ये जो आपका यूजीसी है वो कंडक्ट कराती है. सेम इसी तरीके से टैक्स को कौन रेगुलेट करता है, तो टैक्स को रेगुलेट किया जाता है बाय द सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, तो टैक्स को कौन रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट आ जाता है कि टैक्स को इम्पोज कौन करता है, तो टैक्स इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम टाइम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि हम जब टैक्स की बात करते हैं तो देर आर टू ईयर्स. ठीक है, एक होता है आपका असेसमेंट ईयर और एक होता है आपका प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो इनके सेक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे. सेक्शन 2(9), सब सेक्शन 9 आपको, ये जो है आपका असेसमेंट ईयर का है. ये क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि असेसमेंट ईयर का आपका कौन से सेक्शन में आता है, तो 2(9) में आता है. तो असेसमेंट ईयर आपका वो ईयर होता है जिसके अंदर आप टैक्स पे करते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस ईयर क्या होता है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, एक ऐसा ईयर जिसमें आप इनकम को कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो. तो वो जो आपका ईयर है इन विच द इनकम इज अर्न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर. सेक्शन पूछा जा सकता है कि प्रीवियस ईयर का सेक्शन कौन सा है, तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन आपका सेक्शन 3 है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस ईयर पहले आता है, जब आप इनकम कमाते हो तो उससे नेक्स्ट ईयर ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है. तो प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर होता है जिसके अंदर आपका टैक्स पे किया जाता है, तो दैट इज असेसमेंट ईयर. तो प्रीवियस ईयर द ईयर इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच द टैक्स इज पेड. प्रीवियस ईयर का सेक्शन सेक्शन 3 है और यहाँ पे सेक्शन 2(9) है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वाली रेट भी, कि मिनिमम टैक्स रेट आपका 5% है, मैक्सिमम टैक्स रेट आपका 30% है. ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज. ठीक है, तो ये जो थी आज की क्लास थी, जिसको मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ. थैंक यू.